Let's do question number 28 of exercise 3E, that is linear equation 2 variable. Question number 28 is a man invested an amount at, एक मैन ने इन्वेस्ट किया अमाउंट एट 10% पर एनम पे, एंड अनदर अमाउंट और कुछ थोड़ा दूसरा अमाउंट इन्वेस्ट किया 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर, राइट. दस ही रिसीव रुपीज़ और उसको क्या मिला 1350 एज एनुअल इंटरेस्ट, 1350 एनुअल इंटरेस्ट पूरे साल का इंटरेस्ट मिला. हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, अगर वो जो अमाउंट 10% पे इन्वेस्ट किया था वो 8% पे कर दे और जो 8 पे किया था वो 10% पे कर दे, तो ही वुड हैव रिसीव रुपीज़ 45 लेस एज इंटरेस्ट, तो उसको इसमें से 45 रुपीज़ कम इंटरेस्ट मिलेगा. वॉट अमाउंट ही इन्वेस्ट एट डिफरेंट रेट्स, तो उसने कितना अमाउंट डिफरेंट रेट्स पे इन्वेस्ट किया, तो हम लिख लेते हैं लेट मैन इन्वेस्टेड रुपीज एक्स एट 10%, राइट, पर एनम एंड रुपीज वाई एट 8% पर एनम. अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर देखें तो क्या होता था, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता था, राइट. अब हमें प्रिंसिपल पता चल गया एक्स है और दूसरे के केस में वाई है, राइट. आर पता चल गया 10% एंड 8% और टी हमें पता चल रहा है, देखिए यहाँ से, कि उसको जो अमाउंट रिसीव हुआ एनुअल इंटरेस्ट, एनुअल मीन्स 1 ईयर, तो टी पता चल गया 1 ईयर है. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं. उसने कहा था क्वेश्चन में कि अगर वो कुछ अमाउंट 10% और 8% पे देता है तो उसको कितना मिला 1350 एज एनुअल इंटरेस्ट, तो हम दोनों का सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला लिख लेंगे. 10% पे हमारा एक्स था प्रिंसिपल, 10% का रेट है और टाइम है 1, इसको प्लस y परसेंट पे 8%, y रुपीज़ 8% पे एक साल के लिए, इन दोनों को रखने पे उसको मिल रहा है 1350. ये है उसकी फर्स्ट इक्वेशन, राइट. अब सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, सेकंड इक्वेशन में कह रहा है हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट, अगर वो इंटरचेंज करता है, मतलब यहाँ y है तो यहाँ x आ जाएगा और यहाँ x है तो यहाँ y आ जाएगा, तो ये आया हमारा y इंटू 10% फॉर 1 ईयर प्लस x इंटू 8% फॉर 1 ईयर, तो उसको कितना मिलता है हमारा 45 रुपीज़ लेस एज इंटरेस्ट. तो जितना मिला था उसने इंटरेस्ट में से 45 रुपीज़ कम मिलता है. ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन, राइट. अब हमें इन दोनों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ 10/100x प्लस 8/100y इक्वल्स टू 1350. ये फर्स्ट सॉल्व की, मल्टीप्लाई कर दिया ये आपस में, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, इसी तरीके से ये कर रही हूँ, तो ये आ गया 10/100y प्लस 8/100x इक्वल्स टू 1305. ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, राइट. अब दोनों सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखिए 10x प्लस अपॉन 100 8/100y इक्वल्स टू 1350 और दूसरी थी हमारी 10/100y प्लस 8/100x इक्वल्स टू 1305. ये दूसरी थी, दोनों अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं. देखिए यहाँ हमने 100 LCM लिया, तो ये कितना आ गया 10x प्लस 8y इक्वल्स टू 1350, तो ये आया 10x प्लस 8y इक्वल्स टू 1350 इंटू 100, तो ये आ गया 10x प्लस 8y इक्वल्स टू 1350. ये आई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन देखिए 100 LCM आया, तो यार 10y प्लस 8x इक्वल्स टू 1305। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ये उधर जाके, तो यार 10y प्लस 8x इक्वल्स टू 1305 इंटू 100। तो ये आ गया 8x प्लस 10y भी लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू 130500। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए ये सेकेंड इक्वेशन जो है ये मैं इधर लिख रही हूँ। तो ये आ गई हमारी 8x प्लस 10y इक्वल्स टू 130500। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, राइट। अब आप देखें, अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को 8 से और सेकेंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ, राइट। देखिए यहाँ पे लिख रही हूँ मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10, राइट। तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लाइंग 1/8 एंड 2/10। तो ये कितना आ गया 80x प्लस 64y, 80x प्लस 64y इज इक्वल्स टू कितना आया 000 135 इंटू 8, 000 and 135 into 8. 8 5s are 40, 24, 28, 2 carry, 8 1s 8, 9, 10. तो ये आ गया 1080, right? Next equation 10 से multiply हो रही है, तो ये आया 80x plus 100y, 80x plus 100y equals to 130530, 130530, राइट। यही आ गया। अब आगे करते हैं, देखिए अब साइन चेंज कर देंगे, तो ये साइन चेंज हो गए, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया 100 में से 64 गए 36, लेकिन माइनस के, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी थी, यहाँ पे भी माइनस की डिजिट बड़ी है, तो 3 zeros एज इट इज़ 5, 10 में से 8 गया 2 एंड 2 में से 0 गए अगेन 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो y कितना आ गया 225000 अपॉन 36, राइट। अब देखिए 4 9s are 36, 4 5s are 20, 4 5s are again 20, सॉरी 4 6s are 24, 4 2s are 8, 4 5s are 20 एंड 0। 9 से देखते हैं 9 से चला जाएगा कि नहीं जाएगा। 9 6s are 54, 22, 18, 45, येस। 9 1s are 9, 9 6s are 54, 22, 9 2s are 18, 45, 9 5s are 45 एंड 0। तो y की वैल्यू आ गई 6250। अब पुटिंग y equals to 6250 in equation 1। तो 1 equation क्या थी हमारी, 1 थी 10x plus 8y, 10x plus 8 into y, 36250 equals to 135000, right? तो ये कितना है 8x plus 8 zeros are 0, 8 5s are 40, 4 carry, 8 2s are 16, 20, 2 carry, 48, 49 and 50 equals to 135000। तो 10x equals to कितना आ गया 135000 minus 50000, right? तो ये कितना आ गया 10x equals to 3 zeros as it is 1 2 and 3, 5 में से 0 गया 5 एंड 13 में से 5 गया 8। तो x कितना आ गया 85000 अपॉन 10, दैट इज x की वैल्यू आ गई 8500। तो हमने x क्या था जो हमने 10% पे इंटरेस्ट दिया था, 10% पे अमाउंट इंटरेस्ट दिया था, ये देखिए, राइट। x वो था, x अमाउंट और y अमाउंट था जिसपे 8% पे इंटरेस्ट दिया था, तो हम लिख सकते हैं अमाउंट एट 10% इंटरेस्ट 10% रेट इज 8500 rupees and at 8% is rupees 6250 is the answer.